Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely wonders in your life by ignoring negativity and by accepting positivity and by being thankful to Almighty for whatever you have in your life. See, मेरे ये कहने का मतलब आप अगर मेरे व्लॉग को फॉलो कर रहे हैं तो उसको आप जान ही रहे हैं. जितने लोग अगर नए देख रहे हैं तो उनको मैं फिर से बताता हूँ. बीइंग थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ. बेसिकली हमें ये कभी नहीं देखना है कि हमें हमारे पास क्या नहीं है. हम ऑलरेडी किस चीज़ के थ्रू ब्लेस्ड हैं ज़िंदगी में, उस चीज़ के लिए हमें थैंकफुल रहना है. लाइक सपोज आई शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर व्हाटएवर गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद. नॉट टू थिंक लाइक मतलब समझ रहे हैं ना. What? Be thankful. बस that will make your life like great, great, great. आप बस गिनना शुरू कर दो आपके पास क्या है. आप जो कपड़े पहन रहे हो उसके लिए thankful रहो. आप जहाँ पर रह रहे हो उसके लिए thankful रहो. आपके ज़िंदगी में parents हैं उनके लिए thankful रहो. मतलब हर एक चीज़ के लिए count that. And this will change. So everything, every smallest thing, biggest thing, whatever you have. So this guys, आज का तारीख है 22 मार्च 2019, शुक्रवार है. आज 3:42 हो रहा है and the temperature is 31 degrees Celsius. So आज के दिन की शुरुआत हुई कुछ आई सॉस. मेरा राशि अप्रैल का और मेरा राहु केतु चलता ही है. हमने हमें अपनी मम्मी के जबान से बहुत सुना है तो उसका भी कुछ वीडियोस देख रहा था. ग्रहों का खेल करके एक चैनल है एक पंडित जी का, तो मैं वो देखा एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड एडिटिंग द थिंग्स. तो अभी मैं अनबॉक्सिंग का वीडियोस आई एम ट्राइंग टू अपलोड टुडे. आई विल ट्राई टू मेक इट लाइव बाय टुडे. लेट्स सी आगे क्या कैसे होता है. एंड इन द मीन वाइल अभी जो है खाना भी आ गया है. दिस इज आई थिंक पराठा पुआ एंड ये है क्या है छोटी है छोला चना मसाला है ये. तो यस आई हैव दिस एडिट एंड बस आगे जो भी होता है बने रहिए हमारे साथ. कल का व्लॉग अगर आपने देखा तो आपने देखा ही मैं दोबारा कुछ खोते रह गया. क्या तो जाके देखिए पीछे व्लॉग. द एक्चुअल काइंड ऑफ पुआ आप इसको ध्यान से देख लीजिए. कल का जो पुआ था वो कुछ ऐसा नहीं, इससे भी बहुत भयंकर सा बना था. मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक क्रैब जो होता है. बट आज श्रेष्ठा ने सक्सेसफुली बहुत ही अच्छा सा पुआ बना दिया. तो एंजॉइंग द पुआ एंड चना मसाला एंड मैनी थिंग्स बाकी खास बात. तो बेसिकली यही मैं हमेशा बोलता हूँ कि खाने पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ये भगवान का ही रचा हुआ चीज़ है. ये सातवां पुआ मैं खा रहा हूँ. सातवां है ना छोटी. हाँ, पता नहीं सातवां ही होगा. तो 4-5 पुआ था सब खा गया और ये पूरा घी में बना होता है. लेकिन ठीक है, साल में एक ही बार बनता है होली के वक्त. तो आप लोग खाए हैं या नहीं पुआ ये जरा बताइएगा हमें. जितने लोग हमारे भाई लोग बिहार झारखंड से हैं उन लोग तो जरूर ही खाए होंगे. बाकी इधर उधर के जितने लोग हैं बिहार झारखंड यूपी से जितने लोग देख रहे हैं उन लोग को तो शायद मालूम होगा कि होली के वक्त पुआ बनता है. बाकी लोगों आई बिलीव खाओ पियो मस्त रहो और ज़्यादा सोचने का नहीं. अब ज़्यादा डिसीजन नहीं बनाने का ज़िंदगी में, ये मैंने सीख लिया. जो हो रहा है एंजॉय करो. वाओ द टाइम अपडेट इज 5:23. अनबॉक्सिंग वीडियोज का मैंने एडिटिंग चालू कर दिया है. कल का ब्लॉग अभी प्रोसेस हो रहा है तो आई हैव टू जस्ट अपलोड इट मेक इट लाइव एंड रश टुवर्ड द क्लास. आज 6 बजे से क्लास है और रोज की तरह भाकरवाड़ी एंड द टी विल हैव इट एंड विल गो. होप द साउंड ऑफ दिस फैन इज नॉट डिस्टर्बिंग यू एंड माई बैग एंड एवरीथिंग इज टोटली मेस्ड अप. आई हैव टू अरेंज दिस एज वेल. So we have Ayush already here, right on time. Ayush, कितने दिन के बाद आ रहे हैं? किधर गए थे घूमने? ये तो बताइए. भुवनेश्वर मेरे थ्रेड सेरेमनी के लिए. थ्रेड सेरेमनी? Oh my God, जनो हो गया? हाँ. दिखाओ जनो. ओ
ओहो क्या बात है, आयुष का जन्म हमारे ही तरीके से हो गया। तो चलिए अभी आयुष का क्लास एंड क्लास बिगिन किया जाए। इट्स 6:02 PM। सो द टाइम ऑफ द डे इज 8:44 एंड वी गॉट डन विद आयुष का क्लास हो गया, जानवी का भी क्लास हो गया एंड एक इंक्वायरी भी आई थी आयुषी करके, उनसे भी मिल लिया गया और ऑब्वियसली फी में नो डिस्काउंट भी है। एंड सो वी आर बेसिकली गोइंग टू गेट अ ब्लूटूथ डिवाइस या जिसके थ्रू कि मैं अपने टीवी में कुछ भी चलाऊँ, तो हमारे सैमसंग के टीवी में जो कुछ भी चलाऊँ सैमसंग के टीवी में जो कुछ भी चलाऊँ वो हमारे सोनी के डिवाइस में भी दिखे, सोनी के डिवाइस में मतलब दिखे नहीं सुनाई दे। तो चलिए अनुपम स्टेशनरी पता करते हैं कितने का है, कैसे हैं और लेके आते हैं। क्योंकि कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि अमेजोन फायर टीवी स्टिक चल गया था लेकिन उसका ऑडियो नहीं आ पा रहा था, तो हमारे टीवी में ब्लूटूथ भी नहीं है, तो ये ब्लूटूथ रिसीवर एक खरीदा है अभी, खरीदा मतलब टेस्ट के लिए लिया है, लॉजीटेक का है ये। लेट्स सी अभी ये कनेक्ट होता है कि नहीं हमारे सोनी वाले स्पीकर में, तो इसको कनेक्ट करके अभी देखते हैं एंड धूम मचाते हैं। So finally now connecting this Bluetooth audio receiver to my old television, it's my Bluetooth device nahi hai, so it will be acting as a Bluetooth, so it will be sharing, isse Bluetooth rays niklega, Bluetooth rays ka baat, that will be connecting to my that Sony wala thing, so experiment karke dekh rahe hain, let's see how does it work and how does it go, so we have to connect simply 3.5mm wala jack idhar laga dena hai aur TV ke piche rakha hai, comment se तो टीवी के पीछे भी एक, हाँ तो टीवी के पीछे एक जैक रहता है उसको लगा दिया हमने, ओके एंड अब इसमें चाहिए इनको एक पावर, दैट इज 3.5 एम का जैक। तो अभी हम लोग इसको कनेक्ट करके आपको अपडेट करके बताते हैं। सो द टाइम अपडेट इज 10:19 और हमारा दिमाग जो है वो पार्शली जो है फक्ड अप हो गया। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस टी वी ब्लूटूथ आउटपुट की बस, ये डिवाइस भी लाया लेकिन हो नहीं रहा है, अब इसका क्या करें, नहीं हो रहा है। तो अभी मैंने फिर स्पीकर अपना उधर से उठा के लगाया इधर, फिर अभी वायर से कनेक्ट करके देख रहा है, ये देखो पीछे वायर उधर कनेक्ट किया एंड दूसरा चीज़ कि ये बार बार जो है नो सिग्नल बोलता है, ये फीलिंग कोई नहीं, पेशेंस पेशेंस इज गुड है ना। तो अभी देखते हैं क्या होता है, जो भी होता है आपको देखते हैं। सो द टाइम ऑफ डेट इज 11:26:27 हो गया। माई ब्रेन इज लाइक काइंड ऑफ टोटली फक बिकॉज आई एम ट्राइंग लाइक टू डू सिंस लास्ट 1.5 आवर, मैं उसी को ट्राई कर रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है, इस HDMI एडेप्टर जिससे जो है अपना गूगल क्रोम का स्टिक से चल रहा है और इसको मैंने साउंड आउटपुट पे भी इस पे लाया अभी, लेकिन ये जो है ये कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा अभी, ये क्या सीन है ये। कल नए वाले अमेज़ॉन फायर टीवी को उसमें लगा कर देखते हैं कि तब पता चलेगा कि ये अडेप्टर का इशू है या फिर फायर टीवी में भी पुराना है तो पुराने को वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा, नए वाले में ज़्यादा अपग्रेडेड सिस्टम होगा। तो कोई नहीं, थोड़ा मैं अभी चिढ़ भी गया हूँ, कल इसका भी मुझे पुराने वाले का
ये जो स्पीकर है ये हमारे जीजा जी ने गिफ्ट किया था 2012 या आई गेस 12 में, जब वो दीदी से पहली बार या दूसरी बार मिले थे, आए थे मुंबई, तो हमने गिफ्ट ले लिया था। उस वक्त वो 2000 या 2500 रुपए का ही था, बट स्टिल आई हैव केप्ट इट। उसको उसका भी सारा डिवाइस ले आऊँगा। एक्चुअली मेरे मन में ही एक छोटा सा वो अभी क्या बोले साइको वाला बात हो गया है कि चलाना है, पुराना टीवी है चलाना है, तो ठीक है कोई बात नहीं, सीखने को मिल रहा है कुछ कुछ टेक्निकल, एंड आई लव टेक्निकल ये वो डिज़ाइन। बहुत सारा उपाय भी किया, पैतरा भी किया, तो डिन वर्क, बट कोई नहीं, अभी चला जाए घर, जानवी को छोड़ते हैं उसके घर, एंड लेट्स गो। बॉक्स उधर से उठा के इधर ले आया, बहुत सारा चीज़ थोड़ा मैसी है, बट कोई नहीं, विल डू इट टुमॉरो। चलो, सो द टाइम अपडेट इज 1:36 AM। आई जस्ट कम्प्लीटेड द एडिटिंग एंड अपलोडिंग ऑल द अनबॉक्सिंग वीडियोज, यू कैन डू चेक इट आउट। And I'm just having food, dal chawal. Iske baad I'll be watching the movie Bomberia. It's live on Netflix now. So bas, is waqt usually log sote hain, lekin hum do unboxing video bach gaye hain. Ek GoPro ke total kit ka, jisko main kal shoot karunga, aur ek GoPro ke adapter ka. और मैं अभी दाल गरम कर रहा था, वो डिनर सेट में था, तो आई एम कन्फ्यूज कि प्लास्टिक वाले बर्तन को ओवन में गरम किया जाता है या वो जो डिनर सेट वाला होता है वो चीनी मिट्टी का होता है, तो आई वाज स्केयर्ड कि वो जल ना जाए, फट ना जाए तो इसलिए मैं 30 सेकंड के लिए गरम किया। कुछ खास गरम नहीं हो पाया, बट स्टिल इट्स So after watching Bomberia, I slept. It's a very nice movie, nicely directed, nicely edited, nicely scripted. I like the movie. Radhika Apte ji hain, and then Adil Hussain hain, then Akshay Oberoi ji hain, and then multiple log hain usme. I literally loved the movie. Then I had one Puran Poli at somewhere around 3:30 or 3:15. And 4:30 बजे के आसपास आई स्लेप्ट आफ्टर कम्प्लीटिंग द मूवी, एंड देन आई वोक अप अभी, एंड यस सो एंडिंग द व्लॉग, सो यस दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग। अभी समय हो रहा है 2:33, शनिवार हो गया, 23 तारीख हो गया आज, एंड द टेम्परेचर हियर इज 33 डिग्री सेल्सियस, इट्स अनहेल्दी एंड सेंसिटिव। तो यस दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग गाइस, तब तक के लिए कीप स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस, इग्नोर नेगेटिविटी, एक्सेप्ट पॉजिटिविटी, बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ, हैव अ ड्रीम, कीप ऑन चेजिंग इट, कीप पुशिंग योर सेल्फ, की जो कुछ भी आप सपना देख रहे हैं कि आप उस चीज़ को पाने के लिए सच में मेहनत कर रहे हैं, और क्या आप उस जगह तक पहुँचने के लिए सच में डिजर्विंग है, यस या नो, अगर नहीं है तो वर्क हार्ड लाइक हेल एंड बी दैट डिजर्विंग कैंडिडेट, एंड द डे यू विल बी डिजर्विंग, गॉड विल एग्जैक्टली गिव यू व्हाटएवर यू डिजर्व इन योर लाइफ। And no matter whatever the situation is, stay happy. Be thankful. And yes, I'll see you in the next vlog and in hashtag stay ashanti in your life. Okay, later.